गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम तोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चेक 5 BLM, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है आश्रम व्यवस्था। इससे पूर्व वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ साथ प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र की जानकारी भी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आश्रम जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के आ प्लस श्रम प्लस धन से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान। आश्रम शब्द संस्कृत भाषा के आ प्लस श्रम प्लस धन से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान। आश्रम एक क्रिया स्थल है जहाँ व्यक्ति उस समय ठहरता है और उसके बाद अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाता है। इन आश्रमों में व्यक्ति स्वयं को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। भारतीय मनुष्यों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया है। इनमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम जिसकी जो आयु है 1 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। गृहस्थ आश्रम जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष निर्धारित है। वानप्रस्थ आश्रम जिसकी आयु 50 से 75 वर्ष तक निर्धारित है। तथा संन्यास आश्रम जिसकी आयु 75 से 100 वर्ष निर्धारित की गई है। यही आश्रम व्यवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाता हुआ अपने अगले आश्रम में प्रवेश करता है। तो भारतीय संस्कृति में इहलोक और इहलोक के समान परलोक पर भी ध्यान दिया गया है, अर्थात जीवन का उद्देश्य इस रूप में जीवन यापन करना है कि मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ एक व्यवस्थित और आदर्श जीवन यापन आवश्यकता का अनुभव किया गया था, जिसे आश्रम का नाम दिया गया। आश्रम प्रमुख रूप से एक ऐसी आदर्शात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना बताया गया है। आश्रम व्यवस्था को हिंदुओं के सामाजिक संगठन का मूलभूत आधार माना गया है। तो भारतीय समाज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के प्रमुख कर्तव्य समझे गए हैं और इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और ये ही 4 आश्रम हैं। संक्षेप में जो आश्रम है, हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके उसे आगामी जीवन के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वह अपने समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो आश्रम शब्द का प्रयोग जो है वैदिक काल के उत्तरार्ध में मनुष्यों द्वारा किया गया था, जहां 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी जीवन के 3 क्रमों का उल्लेख किया गया है, गृहस्थ,
वानप्रस्थ एवं ब्रह्मचार्य, जहाँ ब्रह्मचार्य अंतिम स्तर है। मनुस्मृति में भी केवल तीन आश्रमों का ही उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के पश्चात आश्रमों का विभाजन चार रूपों में किया गया और ब्रह्मचार्य को जीवन का पहला आश्रम माना गया। जावली उपनिषद में भी सर्वप्रथम चार आश्रमों का व्यवस्थित विवरण मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि उपनिषद में आश्रम शब्द का व्यवहारिक रूप स्पष्ट हो गया था और इनकी संख्या चार मानी गई। ब्रह्मचार्य आश्रम पहला आश्रम, नंबर दो वानप्रस्थ आश्रम, नंबर तीन वानप्रस्थ आश्रम, चार नंबर है संन्यास आश्रम। इस प्रकार ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार आश्रम माने गए। इन आश्रमों में व्यक्ति स्वयं को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। तो आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। आर्टेकर ने यह स्पष्ट किया है कि जो आश्रम व्यवस्था है वह वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रतिभा का एक अंग था। उस काल में जीवन की विभिन्न स्तरों में विभाजन करने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। अथर्ववेद में मुनि शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक काल में विकास के प्रारंभिक स्तर पर केवल तीन आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। उपनिषद में भी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचार्य आश्रमों का ही वर्णन दिया गया है, जहाँ वानप्रस्थ और संन्यास एक दूसरे से मिले हुए थे। ब्रह्मचार्य को जीवन का पहले अंतिम स्तर माना गया। इस प्रकार आश्रमों का जो विकास है वह उपनिषदों की देन समझा गया है। कालांतर में ब्रह्मचार्य आश्रम को प्रथम आश्रम माना गया और इस प्रकार चार आश्रमों का विकास हुआ और व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 वर्ष के चार आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्रमों में रहता हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति भली भांति कर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं आश्रमों का विभाजन एवं इनके क्या कर्तव्य हैं। तो आश्रम 1 से 25 जैसा कि ब्रह्मचार्य आश्रम है, यह विद्यार्थियों के रूप में विद्या जप करने का समय माना जाता है। इसकी आयु 1 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत जो छात्र है उसे आत्म संयम के साथ रहते हुए गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। इसके पश्चात दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष निर्धारित है। इस आश्रम के अंतर्गत विवाह करके पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने का समय जो है वह गृहस्थ आश्रम में माना गया है। अर्थात 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित है, जिसमें व्यक्ति का विवाह हो जाता है और संतान प्राप्ति करते हुए जो व्यक्ति है अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करता हुआ अगले आश्रम की ओर बढ़ता था। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु 50 से 75 वर्ष निर्धारित है। इसके अंतर्गत घर त्याग कर तपस्या में जीवन यापन करने का जो समय है वह वानप्रस्थ आश्रम में रखा गया है। इसके अंतर्गत विवाह के पश्चात जब 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो इस आश्रम का अंतर्गत घर त्याग कर व्यक्ति को तपस्या में जीवन
भजन करना होता था और वह प्रभु की भक्ति में लग जाता था। नेक्स्ट है चौथा संन्यास आश्रम, जिसकी आयु 75 से 100 वर्ष निर्धारित है। इस आश्रम का जो मुख्य कार्य है वह है समस्त संसारिक बंधनों को पूर्ण रूप से त्याग कर देना। संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है। इसके अंतर्गत समस्त संसारिक बंधनों को व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आश्रमों का विभाजन कर्तव्य जो इस प्रकार से रहे हैं। सबसे पहले विस्तार से जानते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ब्रह्मचार्य जो आश्रम है जीवन का पहला आश्रम माना गया है, जिसका जो प्रारंभ है उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ धारण के पश्चात होता है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग रखी गई है। जैसे कि ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष की आयु, वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु इस आश्रम के लिए निर्धारित है। ब्रह्मचार्य आश्रम की जो प्रथम अवधि है 25 वर्ष तक रखी गई है। इसके अंतर्गत बालक को गुरुकुल में रहकर विद्या प्राप्त करनी होती थी। पहले गुरु उसका दीक्षा संस्कार करता था और शिष्य रूप में उसे ग्रहण करता था, तभी वह गुरुकुल में रहने का अधिकारी होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यार्थी को आत्म संयम और ब्रह्मचार्य पूर्वक व्रत का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचार्य आश्रम में ब्रह्म ज्ञान के संचय का उपक्रम किया जाता था, इसलिए इसे यह संज्ञा दी गई। इस आश्रम में व्यक्ति को ज्ञान अर्जन के लिए कठोर परिश्रम, तप और साधना करनी पड़ती थी। तो ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, जिसमें नैतिकता, कर्तव्य प्रायणता, अनुशासन, आचरण की पवित्रता, यौनिक संयम आदि सभी को समाहित इसमें किया जाता है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया है, जिससे कि उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो सके। तो इस प्रकार ब्रह्मचार्य आश्रम की अवधि में ब्रह्मचारी अपने माता पिता को छोड़कर अत्यंत ही सरल, सादा, पवित्र जीवन व्यतीत करता था। एकाग्र मन से ज्ञान अर्जन में संलग्न रहता था, वेदों का अध्ययन करता था। मनु स्मृति में विद्यार्थी की दिनचर्या संबंधी अनेक नियम बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रातः सूर्योदय से पहले उठे, दिन में 2 बार ही भोजन ग्रहण करे, शहद, नमक, मीठी वस्तुएं, मांस, गंद, जूता, छाता आदि का प्रयोग नहीं करे। उसके लिए नृत्य गायन, हिंसा, झूठ, जुआ आदि वर्जित थे। सभी ब्रह्मचारी सरल सादा जीवन बिताते थे। पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के लिए भिक्षा मांगकर गुरु की सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार पहला आश्रम 1 से 25 तक ब्रह्मचार्य आश्रम को रखा गया है। दूसरा जो आश्रम है वह है गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति का विवाह हो जाता है, संतानोत्पत्ति हो जाती है, व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम आता है, जिसकी आयु जो है 25 से 50 वर्ष है। जब ब्रह्मचारी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेता था तब वह स्नातक कहलाता था और इस आश्रम में प्रवेश का अधिकारी बन जाता था।
इस प्रकार वह संयम का जीवन व्यतीत कर गुरु के आशीर्वाद पाकर वह गृहस्थ आश्रम के लिए अपने आप को उपयुक्त मानता था। गृहस्थ आश्रम द्वितीय अवस्था है जिसका काल 25 से 50 वर्ष तक मानी गई है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनकर अपने घर लौटता है उसे समापवर्तन संस्कार कहा जाता है। इस समय वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों के पालन के लिए किया जाता है। यह आश्रम व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण आश्रम समझा गया है। जब व्यक्ति अपने जीवन के अनेक ऋण चुकाने का प्रयास करता है, सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार देव ऋण पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए एक गृहस्थ को यज्ञ करना आवश्यक है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ ये पंच महायज्ञ कहलाते हैं, जिन्हें करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। इस आश्रम को कर्म स्थल का महान आश्रम माना गया है, जिसमें ब्रह्मचार्य में प्राप्त की गई शिक्षाओं को पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मचार्य आश्रम का जो महत्व है वह इस प्रकार है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने पारिवारिक धर्म का निर्वाह करते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस प्रकार अनेक सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों से युक्त होने के कारण ही गृहस्थ आश्रम उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यह वह दूरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व टिका हुआ है। उपनिषद, महाभारत, स्मृतियाँ सभी का मानना है कि जिस प्रकार वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। महाभारत में एक उदाहरण है, इंद्र का विचार है कि गृहस्थ जीवन स्वयं अत्यधिक श्रेष्ठ और पवित्र है और इसी के द्वारा ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। मनुस्मृति में कहा भी गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर स्थायी प्रसन्नता और स्वर्ग का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उन्हें गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को परिश्रम और लगन के साथ पूरा करना अनिवार्य है, क्योंकि दुर्बल मन के व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के महान दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ साथ अनेक सामाजिक, धार्मिक, नैतिक कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, क्योंकि इसके साथ सामान्य कल्याण की भावना जुड़ी हुई है तथा पुरुषार्थों की प्राप्ति इसी आश्रम में संभव है, तथा इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है अनेक ऋणों से मुक्त हो पाता है तथा पंच महायज्ञ कर सकता है। इस प्रकार तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु जो है रखी गई है 50 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ की आयु निर्धारित है। तो 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहने के उपरांत 50 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करता है, जो 75 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर का मोह त्याग देना होता है, संसारिक सुखों से विरक्त हो जाना पड़ता है
वह वन में कुटिया बनाकर कंद मूल खाकर अपना जीवन जो है बिताता है ईश्वर भक्ति में। इन आश्रम में व्यक्ति यज्ञों को नियमित रूप से करता था, दान देता था और अतिथियों का आदर सत्कार करता था। वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, आत्म चिंतन करता, निष्काम कर्म करता था जो समाज के लिए, जो समाज कल्याण के लिए होते थे। इस समय व्यक्ति स्वाध्याय, अग्निहोत्र, संयम, सब प्राणियों के प्रति करुणा का भाव आदि जीवन व्यतीत करता था। काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय प्राप्त कर प्राणी मात्र के प्रति दया करना, स्वयं की अध्यात्म शक्ति का विकास करना वानप्रस्थि का परम कर्तव्य माना गया है। तो वानप्रस्थि के लिए दिन में एक बार भोजन करने का ही विधान है और भोजन भी अन्न न खाकर और भोजन में भी अन्न न खाकर कंद मूल फल होना चाहिए। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम, जिसकी आयु 75 से 100 वर्ष निर्धारित है, यह मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जब एक वानप्रस्थि सभी संसारिक बंधनों को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो संन्यास जीवन को पूर्णतः समविष्ट करने के लिए समर्पित कर स्वयं के बारे में पूरी तरह चिंता मुक्त होने की स्थिति में आ जाता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना सब कुछ, यहाँ तक कि नाम और गोत्र आदि का भी त्याग कर देता है। इस आश्रम में व्यक्ति को केवल एक पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सन्यासी को परिवार्जक का जीवन व्यतीत करना होता है और उसे सभी प्रकार के मोह और लोभ त्यागने होते हैं। परिवार के रूप में वह सन्यासी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, लोगों को उपदेश देता है। अधिक मिलने पर खुश नहीं होता और कम मिलने पर उसे दुख नहीं होता। सन्यासी को चाहिए कि वह अधिक भिक्षा न मांगे, जो मिल जाए उसी में संतोष करे, मोटे वस्त्र धारण करे और वृक्ष की छाया में शयन करे, किसी से घृणा नहीं करे, प्राणी मात्र जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखे, इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखे। तो व्यक्ति ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, किंतु व्यक्ति में गृहस्थ आश्रम में ही वैराग्य और संसार के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाए तो वह सीधे ही संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा मनु तथा याज्ञवल्क्य आदि का मानना है। इस प्रकार त्याग में, कर्म तथा ईश्वर चिंतन में लीन व्यक्ति सांसारिक बंधनों में ऊंचा उठकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सांसारिक बंधनों से ऊंचा उठकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो वास्तव में संन्यास आश्रम में व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है और वह अपने एक नए नाम सन्यासी से पृथ्वी पर विचरण करता है। पिछले जीवन से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। इस प्रकार अंतिम आश्रम जो है संन्यास आश्रम माना गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रखा गया है। अब है आश्रम व्यवस्था के मूल सिद्धांत, जिनमें है ऋण, पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ और संस्कार, चार माने गए हैं। आश्रम व्यवस्था के पत्ति के सिद्धांत ऋण, पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ और संस्कार माने गए हैं। तो नंबर एक है ऋण। तो भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज
का अनेक रूपों में ऋणी माना गया है। हिंदू जीवन में व्यक्ति पर पांच प्रकार के ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ये ऋण इस प्रकार से है, मनुष्य देवताओं का ऋणी है क्योंकि जल, भूमि, वायु आदि महत्वपूर्ण साधन जो है ईश्वर द्वारा उसे प्राप्त हुए हैं। व्यक्ति ऋषियों का भी ऋणी है जिन्होंने तप, साधना आदि के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में योगदान दिया है। माता पिता ने बालक को जन्म देकर कर सहकर उसका भरण पोषण किया है, अतः वह अपने माता पिता का भी ऋणी है। इसी प्रकार अतिथियों ने भी ब्रह्मचारी के रूप में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, अतः वह उसका भी ऋणी है। अनेक जीवधारियों का भी व्यक्ति ऋणी है जिनसे समय समय पर उसकी रक्षा होती है। तो सभी आश्रमों में अनेक कार्य करता हुआ व्यक्ति इन ऋणों से मुक्त हो सकता है जिससे कि वह अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। इसी प्रकार पंच महायज्ञ नंबर दो, तो विन आश्रमों के अंतर्गत व्यक्ति को पंच महायज्ञ करने होते हैं, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो ये पंच महायज्ञ व्यक्ति आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ आश्रमों का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। प्रभु ने इसे आश्रमों का मानसिक और नैतिक आधार माना क्योंकि आश्रमों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यवहार और जीवन को निर्धारित कर सकता है। पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सभी पुरुषार्थ एक दूसरे से ही संबंधित हैं। जैसे धर्म ब्रह्मचारी आश्रम का मुख्य धर्म है, इसी प्रकार जिसकी प्राप्ति ब्रह्मचारी करता है। धर्म आत्म संयम, संतोष, दया, सहानुभूति, अहिंसा, क्रोध न करना, कर्तव्य पालन आदि के ग्रहण की प्रेरणा देता है। अर्थ का तात्पर्य वह साधन है जिसकी सहायता से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। न्यायोचित तरीके से अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। काम को भी हिंदू मनीषियों ने पुरुषार्थ के रूप में माना, समाज के लिए उसकी उपयोगिता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अर्थोपार्जन और काम का उपयोग करता हुआ अपने समूह के विकास में योगदान देता है, अर्थात काम इच्छाओं की पूर्ति करते हुए संतानोत्पत्ति के द्वारा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वो पुरुषार्थ के महत्व के संबंध में कापड़िया लिखते हैं कि पुरुषार्थ का सैद्धांतिक और मौलिक इच्छाओं एवं आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है। यह मानव में पैतृक सहजात यौन भावना, उसकी शक्ति व संपत्ति के प्रति मोह, कलात्मक व सांस्कृतिक जीवन के प्रति उसकी तृष्णा, परमात्मा के साथ उसका पुनर्मिलन की कामना और संतुष्टि का प्रयत्न करता है। तो पुरुषार्थ के बाद एक और महत्वपूर्ण आधार है, वह है संस्कार। तो संस्कार आश्रमों के रूप में बताए जा सकते हैं क्योंकि व्यक्ति के जीवन का ये परिष्कार करते हैं और व्यक्ति के जीवन के समुचित विकास इसी के द्वारा होता है। संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। प्रत्येक आश्रम का प्रारंभ और अंत संस्कारों के पश्चात ही होता है। तो इस प्रकार भारतीय जीवन में ऋण, पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ और संस्कारों का काफ़ी महत्व रहा है जिनसे आश्रमों की एक समन्वित योजना निर्मित होती है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में अपना मुख्य योगदान देते हैं। आइए अब हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था का महत्व। आश्रम व्यवस्था का महत्व योगदान, तो आश्रम एक वह संस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन का समुचित विभाजन किया गया है
आश्रमों के माध्यम से हमें मुक्ति मिलती है। तो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का समुचित विभाजन हो गया है। जैसे कि बाल्यावस्था में बालक के पास अनुभव नहीं होते, अतः उसे उचित मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। युवावस्था में शक्ति होती है जिनका उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। प्रौढ़ावस्था में अनुभव होता है, अतः पीढ़ी को लाभान्वित किया जा सकता है। और वृद्धावस्था में शिथिलता आने से सांसारिक विरक्ति हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा जो महत्व है, आश्रमों के द्वारा व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है। जैसे कि परोपकार, त्याग, कर्तव्यपरायणता, आध्यात्मिकता, निष्ठा की भावना व्यक्ति में आश्रमों के माध्यम से की जा सकती है। इससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है और व्यक्ति जो है अनुचित कर्म करने से डरता है और यही गुण भावी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा आश्रमों के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक तनावों से मुक्ति मिलती है, जिससे सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार आश्रमों का समाज की दृष्टि से काफ़ी महत्व रहा है, किंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं जिससे इसमें परिवर्तन आया। समाज में आश्रम को व्यवहारिक दृष्टि से कम लागू किया गया है, केवल सिद्धांतिक दृष्टि से ही इसे महत्व मिला है। केवल ऋषि मुनियों तक ही ये व्यवस्था रही। इसका कारण संभवतः अवस्था काल की सीमा रेखा नहीं रही होगी, इसी से यह व्यवस्था जो है अपना व्यवहारिक रूप नहीं ले पाई थी। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।